गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों के यार। सो गाइस, अभी मैं सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, कोई 8 बज रहे हैं, 10 मिनट रहते हैं और स्कूल जाने लगा हूँ। और स्कूल में हो रही है आज हमारी, कल जैसे सबको पता है कि कल छुट्टियाँ हो रही बॉयज़ क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स कल छुट्टियाँ हो रही, मौजे करें 10 दिन। एक स्कीम आई थी, वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? देख लेना कि दो हिस्सों में डिवाइड छुट्टियाँ हो रही हैं। फिलहाल उसकी बात नहीं करते, बात करते हैं कि मैं तैयार क्यों हूँ। ठीक है, तैयार इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारे स्कूल में है पार्टी, है पार्टी जस्ट लाइक अ कलर डे। कलर डे है तो भाई साहब ने कोट शोट सब कुछ तैयार पहन लिए, सब कुछ तैयार जरूर हो गए। ठीक है, अच्छा बंदे को। सो गाइस, नाश्ता हो चुका है और टाइम 8:10 हो चुका है, यानी कि 20 मिनट में स्कूल खुल सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, 20 मिनट बाद स्कूल सर्विस शुरू हो जाएगी। पता नहीं तुम लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मेरे मुँह से धुआं तो बहुत निकल रही है। शायद नज़र आ ना आ रहा हो क्योंकि कैमरा इतना अच्छा कैप्चर करता नहीं है। मेरे पास कौन सा आईफोन है? आईफोन तो है नहीं मेरे पास। मेरे पास है इन्फिनिक्स नोट 8 आई। नोट 8 आई कहना, ये ना कि नोट 8 दे दें, वो नोट 8 दूसरा डबल कैमरे वाला, मेरा सिंगल कैमरे वाला। ठीक है, इससे व्लॉगिंग करता हूँ, इसमें एडिटिंग होती है और इसी में जाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तुम लोग देखते हो भाई क्या मसला क्या चल रहा है, इसमें ही होता है सब कुछ, सब कुछ यही है। ये फ़ोन देख रहे हैं, यही सब कुछ मेरा। ठीक है, इसमें सब कुछ होता है, एडिटिंग भी सब कुछ, तस्वीरें सब कुछ इसमें होता है, वो बात अलग है। ठीक है, किस दिन बात करेंगे। ठीक है, कमेंट में बता देना अगर तुम लोगों ने पूरा जानना है कि मैं करता हूँ कैसे करना है एडिटिंग। ठीक है, हो सकती है किसी को जानना हो। ठीक है, 8:10 हो चुके हैं और जो स्कूल चलते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी है और ये बंदे देखो, ये 3 बंदे बैठे हैं, 1 2 3, और ये भाई पैटीज लेके आए हैं, पिज्जा भी लेके आए हैं। देखो वो बच्चा निकाल रहा है। ठीक है, और आप खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी घर पे आ चुका हूँ, कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि यार वो जो कपड़े थे ना, वो पैंट कोट जो था वो ना काफ़ी टाइट सा लग रहा था, तो ये फुल खुले सूट है। ठीक है, फुल खुली शर्ट, खुली पैंट, चलो मतलब ऐसे कैजुअल पहनना पसंद करता है घर पे। तो अभी घर पे आ चुका हूँ और यार मुँह को एक रोन मारो, मुँह थोड़ा ऐसे ही वापड़ा फिलहाल। तो फिर तस्वीरें आप लोगों ने देख ली हैं और वीडियो भी देख लिया भाई साहब। अच्छा, व्लॉग इसलिए ज़्यादा बना सका क्योंकि वहाँ पे ना स्कूल में पता ही है कि ज़्यादातर लोगों को मोबाइल निकालने की इजाज़त नहीं होती। फुल कलर्ड नहीं था, बैग बैग लेके गए थे हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा था जिस लाइक आप ब्रेक टाइम थोड़ी मौज कर सकते हो और टीचरों के साथ घूम फिर सकते हो, वैसे ही था। व्लॉग वहाँ कर नहीं सका, मैंने करता तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्लॉग इसी तरह करेंगे क्योंकि अभी बिगिनर होना है तो बिगिनर इसी तरह व्लॉग कर भी नहीं सकता। पता ही आपको, 5-6 वीडियो डाली होंगी, 5-6 वीडियोज़ बस। तो बस यार यही था सब कुछ। तो फिर फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ब्लॉग एंड नहीं होगा, ब्लॉग चलता रहेगा बिकॉज ब्लॉग तो काफ़ी लंबा होता है, 8-9 मिनट का ब्लॉग मैं डालता हूँ हमेशा से, तभी भी 8-9 मिनट के ब्लॉग डालूंगा। फिलहाल जितना मैंने डाला वो तो आप लोगों को पता ही है, देख लिया होगा आपने। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है बिकॉज क्योंकि मेरा कमरा काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है। देखो वो बिस्तर पड़ा होगा, बिस्तर में सारा सामान है, सारा गंद मारा हुआ है, नीचे भी सारे कपड़े फेंके हुए हैं, तो सारे सेट शूट करते हैं। मैं तो ही बैठूंगा कंबल में फिलहाल, फिलहाल के लिए कंबल में बैठूंगा क्योंकि मैं ठंड काफ़ी लग रही है, सर्दी है ना, ठंड काफ़ी लगती है, तो मैं कंबल में बैठ के थोड़ा सा आराम करूँगा क्योंकि नींद थोड़ी बहुत थोड़ी सी नींद आ रही है। तो आपको बाद में अपडेट देता हूँ क्या होने लगा। यार अगर आप लोगों को कोई भी पिक्चर बुरी लगी होती है, इग्नोर मारना क्योंकि स्कूल था, स्कूल में इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होती, पता ही आप लोगों का स्कूल वाले कंजूस, चलो वो बात लेते हैं, वो किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन यार चलो इग्नोर मारना, अगर आपको कोई पिक्चर पसंद ना आई हो तो कमेंट कर देना कौन सी पिक्चर पसंद नहीं आई, वो मैं निकालूंगा तो नहीं क्योंकि आप लोगों ने देख लिया, नहीं तो फ़ायदा है नहीं निकालने का, तो फिर देखते हैं। लेकिन बता देने का भाई ये पिक्चर पसंद नहीं आई, इसमें ये था, इसमें ये था, क्योंकि लाइट वहाँ है नहीं थी और ऊपर से मेरे बाल भी बड़े छोटे छोटे से, तो मेरी तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं आई। ठीक है, तो सॉरी।
गाइस मैं गेड़े गुड़े लगा के आऊँ, सो के उठा, बाहर चला गया, ठीक है, बाहर से घर आया हूँ, कुछ खा रहा हूँ अभी, ठीक है, और अभी मुझे भूख लगी हुई है, तो अभी जाकर रोटियाँ लेके आते हैं, ठीक है, सालन पड़ा हुआ है तो खाना खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है, और 5 बज चुके हैं और 6 बजे मेरा अकेडमी जाना था, 6 से 8 बजे तक, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं लेके आ चुका हूँ रोटी, रोटी ने नहीं आया था, लेकिन मैं क्लिनिक चला गया, मामा का क्लिनिक करा, तो आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। रोटी ने लगा, मामा ने दही मंगवाया और साथ पता नहीं वो पकौड़ियाँ और शायद वो मंगवाई हैं, ठीक है। तो अभी टाइम होता है 5:20, और मैं वजू करके नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि नमाज़ का टाइम भी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं नीचे वाले पोर्शन में हूँ, तो यहाँ काफ़ी यानी कि सामान सामान माशाल्लाह पड़ा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में कम ही, नीचे वाले में ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा रहती नीचे। तो बस फिर अभी मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ और फिर खाना खाते हैं, और आपको बाकी की अपडेट बताता हूँ क्या रहा है। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, पहले शायद लेट हो चुका हूँ, तो फिर भाई नमाज़ पढ़ के आके देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस ये हमारी मस्जिद है, वो देख रहे हैं, वो गेट ऊपर जाने वाला, ऊपर कारी साहब का कमरा है, वॉशरूम वो सामने, अंदर जाते ही मेन गेट है सारा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कोई नहीं जाता। सामने वो है क्या नाम उसका, वो वज़ू करने के एरिया, उसके इधर दोनों के दरमियान में लाइब्रेरी बनाई हुई है, ये सारी क्यारी बनाई है, ऊपर लाइटें हैं, ऊपर दूसरा, ऊपर सेन है, नीचे हाल अंदर करके, ये सामने ये जो जा रहे हैं ना, ये वाला दरवाज़ा, ये वाला, ये मेन है तो वैसे ये वाला, लेकिन सारे यूज़ वो वाला करते हैं, क्योंकि छोटा दरवाज़ा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। ये तीसरा गेट देख रहे हैं, ये है औरतों वाला दरवाज़ा, इससे अंदर जाते हैं, अंदर जाके एंड भी जाके पहले इस, ये देख रहे हैं ये चीज़, इसके नीचे वाशरूम आता है, सीधा अंदर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के सीधे ही ऊपर, ये सारी ये जितना सारा एरिया देखें, सारा सीढ़ी वाला एरिया, ठीक है। तो सारा मेरी मस्जिद का व्यू देख लें सारा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारा काम हो गया, बस पेंट रह गया, तो पेंट शाला बहुत जल्दी रहा है। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ, और चलो जो खाने लेके हैं वो खाते हैं, और फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सुबह से रेस्ट ही करिए यार, मैं से क्योंकि थक पड़ा गया हूँ, नींद बहुत आई हुई, नींद आई हुई है, लेकिन मैं पहले 1 घंटा सो गया था, अब रात को सोऊंगा, क्योंकि दोबारा सो गया ना फिर उठना मुश्किल है, ठीक है। फिर टेंट चलो, फिर बाद में उठ के हमने अकेडमी भी जाना, फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो मैं अपने मामा के क्लिनिक के सामने खड़ा हूँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक क्लिनिक है, वो कॉलोनी है, कॉलोनी के बिल्कुल सामने, ये कॉलोनी कॉलोनी के सामने ये जो है ना, ये नाई की दुकान है, साथ ही ये क्लिनिक है, और साथ वो पार्लर है, और जिम है, और साथ बाकी सारी दुकानें, ये कमर्शियल एरिया है, ठीक है सारा, यहाँ मेरी मामा क्लिनिक है, ठीक है। सो अगर किसी ने होम्योपैथिक इलाज कराना हो, या इलाज कोई भी कराना हो, तो आप आ जाइए, मैं आपको पंपलेट मैं दिखा दूंगा आपको, घर पड़े, ठीक है। सो गाइस अभी ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग पहले ही बड़ा लंबा बन चुका है। तो एक बात तो ये कि यार वो जो एंड पे मैंने 2-3 रात को क्लिप्स लिए, वो तो भाई रात को बाहर थे ना, तो बाहर तो मैं पता है अंधेरा था, तो अंधेरे में इसी तरह आवाज़ ही आती, तस्वीर इसी तरह नहीं आती, ठीक। सो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हो। अगर लाइक कर रहे हो ठीक है, अगर डिसलाइक कर रहे हो ना, तो कमेंट में उसकी वजह ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, साउंड अच्छा नहीं लगा, या कोई क्लिप अच्छी नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता। डिसलाइक करते रहोगे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, डिसलाइक करने से, लाइक करने से फ़ायदा होगा, डिसलाइक से कोई फ़ायदा नहीं होना, सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ बताते नहीं होंगे कमेंट बॉक्स में, यार क्या वजह है क्यों डिसलाइक किया, तो फ़ायदा नहीं है इस बात का, ठीक है। सो थैंक यू।